माशाल्लाह ये जी हमारी ट्विंस है जी। अच्छा इसमें से ज्यादा तेज कौन है, ये वाली है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं जी। हमारे एक दोस्त है मुबशर सदीक साहब, उनकी माशाल्लाह दो बेटियाँ हैं, जुड़वा बेटियाँ हैं, तो उनकी ना कटिंग करवाने के लिए हम उनको लेके जा रहे हैं। जनाब कैसे हैं मुबशर भाई? अच्छा दूसरी किधर है? वो बाद में आएगी। तो दोनों को इकट्ठा क्यों नहीं लेके जा रहे हैं आप कटिंग के लिए? दोनों रोएंगे फिर एक रोएंगे नहीं, ये आपका आपके जहन में ये बात होगी कि यार बेचारी एक की दो दफा कटिंग ना हो जाए। चले आगे नाजरीन को पहुंचाते हैं। अच्छा नाजरीन ये तो कंफर्म बात है कि ये जुड़वा ही है, दोनों को वो इकट्ठा इसीलिए लेके आए कि एक रोएगी तो दूसरे को कैसे चुप करवाएंगे। बेटा बनवा लो आखिरी दफा बाल अपने, फिर पता नहीं कब आएंगे। मुबशर साहब आप दोनों को क्यों नहीं लेके आए इकट्ठा? अच्छा मतलब कंफर्म बात है, कंफर्म बात है। ऐसा नहीं कि आप एक कोई कपड़े पहना के दोबारा ले आए बाल कटिंग से अंदाजा कर दीजिए। चल अभी बच्चे को दिलासा दिया जा रहा है। हाँ जी जनाब कैसी फीलिंग आ रही है? तस्वीर बना रहे हैं। आप आजम भाई के पास जब भी आते हैं मुंशराबाद क्यों आते हैं? आजम भाई से बहुत प्रेम तालक है, अच्छे दिल के बहुत अच्छे इंसान है। अच्छा तो यानी कि ऐसे कहने के हम कॉलेज लेवल से लेके आज तक आजम भाई के पास ही आ रहे हैं। चले बड़ी बात है। बड़े ड्रामे किए जी इसने रोने वाले की खीर कर दी, अब नहीं रो रही। चले अब हम दूसरी को लेके आते हैं। मुबशर भाई अब माशाल्लाह इनका नाम क्या है वैसे? हानिया की माशाल्लाह कटिंग हो गई है। अब आप दूसरी को लेके आएंगे, क्या ऐसा मुमकिन है कि आप दोनों को एक दफा इकट्ठे ले आए हमारे देखने वालों के लिए? ठीक है वो बाद में लेके आऊंगा, वरना ये रोने रोएंगी, मैं जाऊंगा एक दफा ले गए, वापसी भी जमाएंगे ना तब उसी को ले आऊंगा। चले ठीक जी। अब दूसरी जनाब तशरीफ फरमा हो गए हैं। हाँ जी चले जनाब। ओए जनाब चलो चले चलो। आजम भाई आपको क्या लगा कि हमने आपके साथ मजाक किया कि बच्चों के जुड़वा के बाल काटने हैं, या सच्ची लगा आपको? नहीं नहीं सच्ची लगा, सच्ची लगा था। एक के बाल कटवाने के बाद मुबशर भाई अब दूसरी तरफ खिदमात देने के लिए तैयार हो चुकी है। ओए होए ओए तू तो कह रहा था कि वो ज्यादा शानी है तेज है। भाई आपकी दूसरी बेटी जिसके पहले हमने बाल कटवाए हैं वो क्यों नहीं आ सकी? वो ना आई है और उसको नींद आ गई, वो सो गई। तो अब इसका क्या हल है? अगर दोनों को इकट्ठा दिखाना हो तो दोनों सो ही रहे फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। वैसे मेरे पास एक पुरानी फुटेज पड़ी है, अगर साथ कहें तो वो लगा दें। जी वो लगा। चले ठीक चले ठीक। खैर से छोटा सा व्लॉग था, मैंने कहा शेयर करते हैं आपके साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।